नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो जय छठ मैया। आज हम बना रहे प्रसाद छठ मैया का। तो ये देखिए, सब प्रिपरेशन चालू है। तो हम ये खाना घर के बाहर बना रहे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखिए हम बना रहे हैं छठ पूजा के लिए खस्ता, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। इसको चाल लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे मैदा है। अब इसमें हम तेल का मयन देंगे, रिफाइंड तेल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग घी वाला बना दिए। यहाँ पे हम लोग हाथ से बनाए, देखिए डिजाइन वाला पूरा अच्छे से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मीठे तेल वाला खस्ता, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा और आटा, 1 किलो मैदा है और 1 किलो आटा है। इसे हम अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया है और 1 किलो आटा लिया है। इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे मीठे तेल का मयन देंगे, जिससे ये बहुत नरम और कुरकुरा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी टेस्टी। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा और 1 किलो आटा में मैंने यहाँ पे 1 पाव मैंने यहाँ पे मीठा तेल लिया है। इसे अच्छे से देखिए ऐसे करके मयन देना है। ये देखिए, इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 किलो चीनी डालेंगे। मैंने पार्ले बिस्कुट लिया है, जो इसी पानी में और जो चीनी डाले इसी में हम लोग डाल देंगे। चीनी हमारा थोड़ा थोड़ा खड़ा रहना, तो ये पूरा गलेगा नहीं। 2 डालेंगे। आप कोई बिस्कुट और नहीं ले सकते, सिर्फ पार्ले ही ले सकते हैं। हम फूलने देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, ये फूल जाएगा। तो इसे हम फिर तो यहाँ पे देखिए पूजा का बन रहा है। तो यहाँ पे खस्ता बन रहा है दोस्तों, और ये खस्ता हम चूल पे बना रहे हैं घर के बाहर। तो यहाँ पे मला जा रहा है मैदे को, तो ये सब चढ़ाने के लिए बन रहा है। ये आम की लकड़ियाँ, ये सब बाहर बन रहा है। ये प्रीति बना रही है। तो देखिए दोस्तों, प्रीति ने घोल के रखा था यहाँ पे, इसमें चीनी थोड़ा खड़ा खड़ा है। अब इसे हम आटे में डाल के अच्छे से सानेंगे। चीनी और बिस्किट का घोल है जो इसमें डालने वाले हम, इसे फेटेंगे। तो ये बना रही और मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैदा देखो फेटा जा रहा है दोस्तों। इतना सारा प्रसाद हम बनाने वाले हैं बांटने के लिए, चढ़ाने के लिए। दोस्तों प्रसाद बन चुका है, उसको दीदी ने बनाया है, ये बस बांटने के लिए है। तो प्रसाद आपको भी मिलेगा। तो बोलिए जय छठी मैया। तो देखिए दोस्तों, आटा खस्ते की तरह तैयार हो चुका है। अब बस कुछ ही मिनटों में ये गुथ जाएगा। इसे आटा को हमें एकदम कड़क करके सानना है, नरम नहीं, पूरी की आटा जैसा। तो जय छठी मैया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह गोल बना लिया। इसे ऐसे करके अब इसे हम बेल लेते हैं कुछ इस तरह। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से बेल लिया इतना बड़ा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी गिलास ली है, तो इस तरह करके ऐसे काट लेंगे हम। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो देखिए एकदम बिस्किट की तरह हो रहा है, ये देखिए। तो ये सीधा मैं कढ़ाई में
तो इसे धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए खस्ता कैसे फूल रहा है पूड़ी की तरह। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा हल्का हल्का गोल्डन कलर हो रहा है, इसे हमें और गोल्डन करना है। पूरा ये बिस्किट की तरह लगेगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का खस्ता रेडी हो चुका है। ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया, अब इसे हम निकाल रहे हैं। जो मेरी चाची देखिए यहाँ पे निकाल रही हैं, मुंबई से आ गई हैं। ये देखिए गोल्डन कलर का ये दोस्तों खस्ता बनके रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे रंग ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने रंग ले लिया है। दौरे को हम कलर करने वाले हैं, सजाने वाले हैं। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है और कलर करेंगे हम। पीछे के साइड का भी ऐसे ऐसे करके रंग लेंगे। हमारे घर में सनलाइट की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो ये देखिए डन हो गया है। अब इसमें हम फलों को सजाएंगे। तो ये हम सूप को सजाने वाले हैं। हाँ वही तो ऐसे ऐसे से छापा मारवा बिछवा में कपड़ा ली होते थे ना टोपी वाला फैलावले कचार के जब उठा लियो वही पर आइया में कैसे थवा कर बोलते का चोर भेड़ लगे के कहानी है चोर भेड़ हूं हां पीसा ना रिंकू का काजल बन रहा कि ना बेबी बन बन गल बन गल चला हो जा नगल अरे चला तू खा ला अम्मा खनवा। दोस्तों फलों को हमने धो लिया है। तो ये देखो केले हैं और ये देखिए ये सज चुका है सूप और ये दौरा में हमने सारा प्रसाद रख दिया है। तो ये देखिए सज गया है फ्रेंड्स। लाइट नहीं है हमारे घर में और ये बाकी के फल हैं और ये दूसरे दीदी का ये सजाना है हमें। तो ये देखिए प्रीति सजा रही हैं नारियल केले शकरकंजी और नारियल। तो ये दौरा सज रहा है कोहड़ा कद्दू अनार संतरे और ये अनानास ये सीताफल सीताफल छोटा सा है फूट गया। फलों में इतने सारे फल हैं कि दब गया वो मूंगफली और ये नारियल पे चुंदरी चढ़ा दिया है। तो फलों को हमने धो लिया था। इसी तरह ये भी
सजा रहे हैं छठ मैया का। ये फल और सब्जियों का रहता है। ये हल्दी है, कच्ची हल्दी। ये है आदि। ये है अदरक जो कि पूरा पूरा लगा रहता है इसका पौधा। तो छठ मैया का त्यौहार हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में एकदम खुशहाली रहती है। सिंघाड़ा, स्टार फ्रूट। अब इसी तरह हम इस सूप को भी सजाएंगे। कांच ही बासे के बाहंगिया बहंगी लचकत जा, कांच ही बासे के बाहंगिया बहंगी लचकत जा। ये सिंघाड़े हैं और ये दिया को सजाया जा रहा है। प्रसाद को छूना नहीं है परी, प्रसाद को छू नहीं रही। दोस्तों सारी तैयारियां हो चुके हैं, तो हमें घाट पे जाने के लिए तैयार होना है। तो सूर्य देवता को हमें अर्घ देना है। तो दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अब घाट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम लोग घाट पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम लोग चलेंगे घाट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम लोग घाट पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं, सब लोग जा रहे हैं घाट पे। आगे तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पापा यहाँ पे ऊख लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इधर तैयारी हो रही है। हीरोइन कर लो, हीरोइन कर। परी लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो, परी बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। गाइस ये देखिए मेरी मम्मी फल पूरा रख दी है बेदी पे। बुआ हैं, ये लोग देखिए तैयारी कर रही हैं। ये देखिए ऊख, ये देखिए घाट है, इसमें सब लोग हलेंगे नहाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग आए छठ घाट, तो जोर से बोल लीजिए छठी मैया। ये देखिए चाची हैं, टीका लगा रही हैं। मम्मी और बुआ यहाँ पे पानी में चली गई हैं लोग। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है आज यहाँ पे। थोड़ा ताकिए इधर देखिए, जय छठी मैया। देखिए कितना पानी है। बुआ देखिए सूरज भगवान डूब गए हैं, अब सब लोग फल रख रहे हैं, जाने के घर जाने की तैयारी हो रही है। देखिए अब सुबह आएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अपने घर, सब लोग आ रहे हैं। तो बोलो जोर छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय। सो फ्रेंड्स देखिए
लोग सुबह में आ चुके हैं, पूजा उजा हो गया है। ये देखिए सब लोग पानी में है, सब नहा रहे हैं। देखिए सूरज भगवान उग गए, यहाँ पे सब लोग अर्घ ले रहे हैं। ये देखिए सो फ्रेंड्स, ये देखिए छठी मैया का प्रसाद है जो चाची मांगी है, इसे भीख कहते हैं गांव में। तो आज का ब्लॉग यहीं